दिल्ली। दिल्ली अब एक ऐसे चोर गिरोह के निशाने पर है जो सिर्फ महंगे से महंगे मोबाइल पर हाथ साफ कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इन चोरों को तो इस बात का भी कोई खौफ नहीं कि इनकी सारी हरकतों पर कोई नजर भी रखे हुए है। चोरों के हौसले दिन पर दिन इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि बेखौफ होकर ये चोर धड़ल्ले से चोरी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये चोर गिरोह ज्यादातर मोबाइल फोन की दुकानों को ही अपना निशाना बनाते जा रहे हैं। दिल्ली में चोरों का आतंक इतना बढ़ चुका है, बात आकर यही खत्म नहीं होती कि दिल्ली में चोरों का आतंक बढ़ चुका है। लेकिन बावजूद इसके पुलिस उस चोर गिरोह को पकड़ पाने में भी असफल नजर आ रही है। दिल्ली के दुकानदारों अब हो जाएं सावधान, ये चोर हैं बेखौफ, ये चोर हैं काफी तेज। केजरीवाल जी जरा यहां भी गौर कर लीजिए, दिल्ली में ये क्या हो रहा है, चोर बिना डर के कर रहे हैं चोरी। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले अब काफी बुलंद होने लगे हैं। इन्हें ना तो पुलिस का डर है और ना ही दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों का। दिल्ली में एक ऐसा चोर गिरोह बेखौफ होकर घूम रहा है जो और किसी पर नहीं बल्कि मोबाइल की शॉप पर नजरें गड़ाए बैठा है। उस गिरोह के निशाने में महंगे से महंगे मोबाइल फोन और कैश कार्ड हैं। ये गिरोह इतना शातिर है कि इनको किसी भी बात का कोई डर नहीं, दुकानों पर लगे कैमरों से तक इनको कोई डर नहीं है। दक्षिण दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में ऐसी ही घटना सामने आई है जहां के दुकानदार इस गिरोह की हरकतों को देख खौफजदा में पड़ गए हैं। गौरतलब है कि हाल ही में पुल प्रहलादपुर के मार्केट में चोरी की ऐसी वारदात सामने आई है जिससे आसपास के दुकानदारों को भी डर लगने लगा है। दरअसल यहां की मार्केट के मोबाइल शॉप से लाखों की चोरी हुई है जिसमें से कैश कार्ड और काफी महंगे महंगे मोबाइल फोन चोरी हुए हैं। चौंका देने वाली बात तो ये है कि मोबाइल शॉप से कुछ ही दूरी पर पुलिस थाना भी है। चोरों को इस बात का भी कोई डर नहीं। इतना ही नहीं, चोरों ने सीसीटीवी कैमरे में कुछ ना दिखे इसलिए कैमरों को भी तोड़ डाला। हालांकि ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब जरा यहाँ ये देखिए, पहले ये कार यहाँ आके खड़ी हो जाती है और फिर एक एक करके इसमें से तीन लोग निकलते हैं। अब जरा ये देखिए, ये दो शातिर चोर लोहे की रॉड से इस शटर को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। शटर खोलने में इन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ये देखिए, ये चोर सीसीटीवी कैमरे को तोड़ रहा है और कंप्यूटर की सारी तारों को निकाल कर अलग कर दे रहा है। लेकिन शायद ये भूल गए कि इनकी ये सारी करतूतें कैमरे में कैद हो चुकी हैं। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि कैमरा लगा होने के बाद भी और पास में ही थाना होने के बावजूद भी चोरों के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई, और इसके बावजूद भी पुलिस ने अभी तक इनको गिरफ्त में क्यों नहीं लिया। चोर की इस वारदात से दुकानदार के मन में और भी डर पैदा हो चुका है। दहशत तो हमें इतनी है, रोज आए दिन चोरी हो रही है। आज शर्मा मार्केट में पीछे दुकान पे हुई है, आज हमारे बराबर में हुई है चोरी। रात को हम जब शटर बंद करते हैं तो हमें दहशत रहती है कि सवेरे हम सही सलामत इसको अपने देख पाएंगे या नहीं। रात को नींद नहीं आती है, बड़ी दहशत में है, और जबकि हमारी दुकान थाने के सामने है। ये शायद लगता ऐसी है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज आए हैं, वो कार में आते हैं, चार पांच जने हैं, वो सिर्फ टारगेट मोबाइल की दुकानों का कर रहे हैं। चोरी की वारदात के बाद दुकानदारों ने इस बात की शिकायत प्रहलादपुर पुलिस थाने में भी कराई, लेकिन इस घटना में पुलिस के हाथों कोई बड़ा सुराग अभी तक नहीं लगा है। चोरी हुआ हम लोगों को नहीं पता, लेकिन पुलिस वालों को पता है। पुलिस वालों ने हमें पुलिस वालों ने हमें
और आप वही फोन किया, पुलिस वाले ने फोन किया। उसके बाद हम लोग 100 नंबर पे कॉल किया तो पूछ रहे हैं कि क्यों कॉल 100 नंबर पे फोन किए, तो कह रहा है कि तुम 100 नंबर पे क्यों फोन किया, तुम्हें क्या जरूरत है 100 नंबर पे फोन करने की, तुम्हारे पास पुलिस आई है तो 100 नंबर की फोन करने की क्या जरूरत, क्या जरूरत है, हम क्या रहे ऊपर से पुलिस वाला, रात तक 3 दिन हो गया कोई कार्रवाई नहीं है। आपको बताते चले कि ये वारदात कोई अभी की नहीं, इसी तरह की वारदातें दिल्ली शहर में आए दिन घटती ही जा रही हैं। लोगों का तो जैसे पुलिस प्रशासन से भरोसा ही खत्म हो चुका है, ये हम नहीं बल्कि दिल्ली की जनता खुद कह रही है। दरअसल चोरी की ऐसी ही वारदात की शिकायत साल भर पहले भी की गई थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई भी कड़ी कार्रवाई सामने नजर नहीं आई। ऐसे में दुकानदार और आसपास के लोगों के मन में डर पैदा हो चुका है। वहीं दूसरी ओर पूर्व प्रहलादपुर के कांग्रेसी विधायक के सहयोगी रहे ऋषि पाल ने चोरी की बढ़ती वारदातों का कारण केजरीवाल सरकार को ठहराया है। उनका मानना है कि केजरीवाल सरकार के आते ही दिल्ली में अपराध और भी बढ़ने लगे हैं। वहीं केजरीवाल सरकार को इस मामले में गौर करने के लिए भी कहा गया है। मैं शीशपाल जी जो यहाँ से 10 साल विधायक रहे हैं उनके साथ जुड़ा गया हूँ और सारा उनका काम यहाँ तो पूरी विधानसभा में मैं ही देखता था। 10 साल तक कोई चोरी डकैती कुछ भी यहाँ नहीं हुआ, 10 साल तक बड़ी शांति रही, उससे बढ़िया कोई शासन यहाँ किसी ने नहीं दिया। बहुत बढ़िया ईमानदारी से और काम खूब बढ़िया लोगों के काम चले और पब्लिक शांति। उससे बाद रमेश अधूरी रहा 10 साल, उसके टाइम में भी चोरी कमी हुई। जब से ये केजरीवाल की सरकार आई है जब से तो लोगों का जीना रोजगार भी खत्म और चोरियों की भरमार है। पता नहीं है चोरों के उस्ताद है या चोरों से मिले हुए हैं, सारे चोर इन्होंने छोड़ दिए। पुलिस पता नहीं क्या करती है, रात में गश्त करती है नहीं करती। दिल्ली में बढ़ती चोरी की वारदातों से आम जनता अब अपने आप को असुरक्षित मानने लगी है। पुलिस प्रशासन के बल को कमजोर मानते हुए लोगों ने सड़कों पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगाए। वहीं दूसरी ओर इस मामले में पुल प्रहलादपुर के SHO राजेश कुमार मिश्रा से बात करना चाहा तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। दिल्ली में चोरों का आतंक फैलता ही जा रहा है और अब आम जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। नजदीक पुलिस थाना होने के बावजूद भी चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदातों को आसानी से अंजाम दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस प्रशासन आखिर इतनी सुस्ती क्यों दिखा रही है, क्या वो जनता के प्रति अपने फर्ज से मुंह मोड़ रही है। हालांकि लगता तो ऐसा ही कुछ है, जैसे दिल्ली सरकार जिस तरह से जनता के प्रति अपने कामों को लेकर सुस्ती दिखा रही है, शायद यही कारण है कि पुलिस प्रशासन भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही हो। दिल्ली से रमेश शुक्ला सफर के साथ लक्ष्मी शर्मा की रिपोर्ट। सड़क के उस पार थाना है और इस पार पुलिस की ये गाड़ी, ये वही दुकान है जहां बीती रात चोरों ने निशाना बनाया। चोर ताबड़तोड़ चोरियां कर रहे हैं और थाना मुखी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। सनसनी ऑफ इंडिया से SHO प्रहलादपुर ने कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। आखिर चोरों पर लगाम कब लगाएगी दिल्ली पुलिस, यही सवाल सनसनी ऑफ इंडिया का सारी दुनिया का।